हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में आपको प्लाजो की स्टिचिंग करना सिखाएंगे। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप इस प्लाजो की कटिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं ऑलरेडी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुकी हूँ, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट लिए हैं प्लाजो के। यहाँ पर आसन की हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से आसन को ज्वाइंट करेंगे। ये हमने बैक पार्ट के आसन लिए हैं, लेकिन वहाँ पर हमारा थोड़ी लंबाई कम है तो हमें 1.5 इंच की पट्टी ज्वाइंट करूँगी ऊपर, जो कि मैंने कटिंग में बताया था आपको कि मुझे स्टिचिंग के वक्त 1.5 इंच की पट्टी ज्वाइंट करनी है बैक साइड के आसन पे। बैक आसन की लंबाई हमें बढ़ाने के लिए ज्वाइंट करना है। मेरे पास कपड़ा कम था इसलिए मुझे ज्वाइंट करना पड़ रहा है। आप पहले से एक्स्ट्रा ले सकते हैं। इस तरह से ऊपर की साइड हम इस पट्टी को ज्वाइंट करेंगे दोनों पार्ट्स में। यहाँ पर एक टॉप स्टिच करेंगे पट्टी के ऊपर। इसी तरह हम दूसरी पट्टी पे भी टॉप स्टिच करेंगे। अब ये हम बैक पार्ट के आसन जॉइंट करेंगे इस तरह से। आसन जॉइंट हो गया है हमारे दोनों साइड से। अब हम इसकी प्लाजो की साइड की स्टिचिंग करेंगे दोनों तरफ से। इस तरह से दोनों पार्ट्स को लेंगे फ्रंट बैक और दोनों की स्टिचिंग करेंगे जॉइंट करेंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी जॉइंट करेंगे। इस तरह हमारी दोनों साइड जॉइंट हो चुकी है। यहाँ पर हम आसन की नीचे की सिलाई लगाएंगे। पूरे प्लाजो को जॉइंट करेंगे इस तरह से। जॉइंट पे जॉइंट रखेंगे हम आसन का। इस तरह से रखेंगे और जॉइंट करते जाएंगे। इस तरह से इस तरफ के पैर में भी सिलाई लगाएंगे प्लाजो के। पूरे प्लाजो में स्टिचिंग करेंगे इस तरह से। आप चाहें तो डबल स्टिच भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये मोरी फोल्ड करेंगे हम 1/2 इंच अंदर की साइड। इस तरह से बहुत ही पतला फोल्ड करेंगे यहाँ पर हम। इस पर बारीक स्टिचिंग करेंगे।
इस तरह से फोल्ड करते रहेंगे इसको। इसी तरह से हम दूसरी मोरी को भी फोल्ड करेंगे, सेम इसी तरीके से फोल्ड करेंगे दूसरी मोरी को। यहाँ पर हमने दोनों मोरी को फोल्ड कर लिया है, आप देख सकते हैं इस तरह से। अब बारी आती है इलास्टिक लगाने की, तो यहाँ पर हम 3 इंच इस तरह से पूरे राउंड में निशान लगा लेंगे, ताकि ये जो निशान है इसी पे फोल्ड हो, ज़्यादा फोल्ड ना हो। 3 इंच का हमें नेफा फोल्ड करना है इस तरह से, पूरे में इसी तरह से निशान लगा लेंगे। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे चौड़ा, जितनी की हमारी इलास्टिक है। मैंने यहाँ पर 1 इंच की इलास्टिक ली है इस तरह से। बाकी कपड़ा हम अंदर फोल्ड करेंगे और जो हमने निशान लगाया है उसी पे फोल्ड करना है हमने नेवे को। इस तरह से नेफा फोल्ड होता है। यहाँ पर मैं इलास्टिक डालूंगी, ये थोड़ा सा गैप हम छोड़ देंगे जहां से इलास्टिक डालने के लिए। यहाँ पर मैंने 28 कमर के हिसाब से 14 इंच की इलास्टिक ली है डबल में। अगर सिंगल करेंगे तो 28 इंच की इलास्टिक है और 1 इंच हमने ऐड किया है ताकि जॉइंट करेंगे तो मार्जिन जाएगा। पिन की सहायता से इस तरह से इसके अंदर डालेंगे इलास्टिक को। इसी तरह से हम पूरी इलास्टिक डाल लेंगे अंदर। अब ये जो दोनों साइड की कॉर्नर है इन्हें जॉइंट करेंगे अच्छे से। यहाँ पर डबल स्टिच करेंगे ताकि खुले ना ये। ये जो हमने गैप छोड़ा था उसको भी हम इस तरह से स्टिच कर देंगे। गैप को हमें बंद करना है। अब इस तरह से खींचेंगे ताकि जितने भी गैदर है वो हमारे पूरे कपड़े में इक्वल आ जाए इस तरह से। अब इसके ऊपर एक स्टिच करेंगे, इलास्टिक को खींचते जाएंगे और एक स्टिच करेंगे पूरे राउंड में करेंगे। इसको काफी खींचते जाना है इस तरह से, ताकि आपकी गैदर अच्छी आए जितना आप खींचेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा प्लाजो का लुक आया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह से इसका फाइनल लुक है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।